थोड़ा सा और हम इसे गीला करेंगे पानी से। ये देखिए इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी खींचेंगे मूंगफलियों में, ताकि इसमें मसाला और बेसन चिपक सके। ये देखिए ये मैंने इसको गीला कर दिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, जितना बेसन लगेगा उतना बेसन डालेंगे। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा बेसन डाल लिया है, और अब हम इसमें नमक डालेंगे, काला नमक। ये देखिए स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। ये मैंने लगभग एक चम्मच से ज्यादा नमक डाल लिया है इसमें, काला नमक। इसमें दो चम्मच मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हम कलर वाली मिर्च डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला डाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने दो चम्मच, छोटी दो चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में मैंने ये तेल डाल लिया है इसमें तलने के लिए धीमी आंच पर। अब इसी में से हम एक चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये ऑयल भी डाल लिया है, दो और तीन, बस तीन चम्मच हमें इसमें ये डालना है। अब हम इनको सबको मिलाएंगे अच्छे से। ये देखिए मूंगफलियों को इस तरह से लेंगे थोड़ा, और आपको अगर कम लगे पानी तो आप जिससे सारा मसाला अच्छे से ऐड हो जाए मूंगफलियों में आप और भी पानी छिड़क सकते हैं। और बस ये करने के बाद अब हम इन्हें ऑयल में तलेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और लग रहा है इसमें पानी, तो थोड़ा सा और फिर देंगे, धीमी आंच पर इन्हें तलना है, तेज आंच पर नहीं तलना।
लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डालने से इसका कलर भी अच्छा आता है और ये काफी चटपटी भी हो जाती है। ये देखिए, आपको स्वाद अनुसार आपको और भी डालनी हो या कम डालनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये अलग से दिखेंगी मिर्ची, आप इनको ऐसे इस तरह से थोड़ा चलाइएगा तो ये सेट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, चटपटी मसाला मूंगफली तैयार है। देखिए कितनी अच्छी तली हुई है, देखिए देख सकते हैं आप। देखिए देखिए 5 मिनट में मसाला मूंगफली तैयार हो। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए तो इसी तरह की रेसिपी एक बार फिर से आप देखने के लिए तैयार हो जाइए और मैं फिर से आपको बता